हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम अपने लेक्चर में करंट अफेयर के साथ साथ कुछ नेशनल लॉज को डिस्कस करेंगे जो हमारे बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से रिलेटेड है, और उनके साथ साथ हम कुछ ऐसी एजेंसीज को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से रिलेटेड है। वैसे तो ये वीडियो हमारे बैच के लिए है, और इसके आगे के वीडियोज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को बाय लॉगिंग इन टू www.videos.onlyias.in पर जाकर। उसके अलावा आप नीचे दिए इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर इंक्वायरी। ये वीडियो लेक्चर अपने आप में एक कंप्लीट लेक्चर है, तो इसको आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ना केवल इस वीडियो में हम एक स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं, बल्कि इस वीडियो में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी कॉमन डाउट्स हैं आपके, हम उनको एड्रेस कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट में लगभग वर्ल्ड का 75% फॉरेस्ट कवर को इंक्लूड किया गया है। अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने इसको पब्लिश किया है। ये रिपोर्ट पहली ऐसी अटेम्प्ट है जहां पर हम स्टेटस जानने की कोशिश कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 to 2030 का। इस रिपोर्ट में पहली बार जानने की कोशिश की गई है कि क्या स्टेटस है इंप्लीमेंटेशन का यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 to 2030। अगर हम इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो इसमें 6 मेजर गोल्स हैं। पहला है रिवर्स फॉरेस्ट कवर लॉसेस, मतलब कि जो फॉरेस्ट आपने इंडस्ट्रीज या अर्बन एरिया को सेटल करने के लिए काट दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको रिवर्स करने की बात होती है पहले गोल में। दूसरा गोल है इंप्रूव फॉरेस्ट बेनिफिट एंड लाइवलीहुड, मतलब कि ये इकोनॉमिक जो बेनिफिट हम ले रहे हैं फॉरेस्ट से, उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की बात करता है। तीसरा गोल है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड यूज सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि इस तरह से फॉरेस्ट को यूज करना कि फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे अभी भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। चौथे गोल की बात करें तो ये मोबिलाइज करने की बात करता है रिसोर्सेस, चाहे वो आपके फंड हो चाहे वो फंक्शनरीज। पांचवा गोल है प्रमोट इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस, मतलब कि गवर्नेंस में हम फॉरेस्ट को भी इंक्लूड करने की बात करते हैं इस गोल में। छठा गोल है आपका कॉपरेट एंड वर्क अक्रॉस सेक्टर, मतलब वेरियस सेक्टर्स जो हैं उनको एक साथ वर्क करना चाहिए ताकि हम फॉरेस्ट को बचा सकें। इन 6 गोल्स के अलावा स्ट्रेटेजी में लगभग 26 टारगेट्स हैं, ऑल्दो ये टारगेट जानना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये गोल। की फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो ग्लोबल लेवल पे आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ एफॉरेस्टेशन एंड रिस्टोरेशन, बट जो रिसेंट पेंडेमिक है इसकी वजह से कुछ अलग लेवल के आपको चैलेंजेस अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हजारों लोग आपके इन फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं अपने असेंशियल नीड्स के लिए, तो कहीं ना कहीं इन फॉरेस्ट पे प्रेशर अब पहले की तुलना बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो यूनाइटेड फोरम ऑन फॉरेस्ट, जो कि एक स्पेशल सेशन था यूनाइटेड नेशन का 2017 में हुआ था, ये जो स्ट्रेटेजी है इस सेशन में अडॉप्ट की गई थी जिसका नाम है आपका यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 to 2030। अगर हम इस स्ट्रेटेजी के टारगेट के बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड का 3% फॉरेस्ट कवर एरिया इंक्रीज करने की बात करता है, जो कि लगभग आपका 120 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, तो ये लगभग फ्रांस के साइज से दुगना है। अब एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए साथ के साथ, एक रिपोर्ट है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। ये रिपोर्ट आपकी रिलीज करी है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने। इस रिपोर्ट के हाईलाइट के बारे में बात करें तो लगभग 1 मिलियन स्पीशीज आज रिस्क पे है एक्सटिंक्शन के। इसके साथ साथ लास्ट 20 सालों में लगभग हमने 100 मिलियन हेक्टेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगला आर्टिकल है हमारा एक IUCN की रिपोर्ट के बारे में, जो कि है आपकी नेचर इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन। ये जो रिपोर्ट है ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बताता है नेचर और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के। यहां पर फोकस ये है कि मेन स्ट्रीम में ला सके हम नेचर की कंजर्वेशन को इकोनॉमिक फ्रंट पे भी और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी। इस रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स हैं, जहां जहां आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है नेचर पे, क्योंकि वहां पर
डायरेक्ट किलिंग की जाती है एनिमल्स की फॉर फूड एंड ट्रेड, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। इन एरिया में ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के कारण डिग्रेडेशन हो जाता है इकोसिस्टम का, जिसकी वजह से आने वाले समय में और प्रेजेंटली भी इन एरिया में स्पीशीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। इन कॉन्फ्लिक्ट एरिया की बात करी जाए तो यहाँ पर जितने भी कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाते हैं इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के कारण, क्योंकि जो प्रोटेक्टेड एरिया के स्टाफ हैं या जो कंजर्वेशन एक्टिविटीज में लगे हुए लोग हैं वो काम पर फोकस नहीं कर पाते। इस आर्टिकल में एक एग्जाम्पल दिया जाता है 1994 की रवांडा वॉर का, जहां पर लगभग 90% लार्ज मैमल की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई अकेगेरा नेशनल पार्क में, क्योंकि इन सभी एनिमल्स को फूड और ट्रेड के लिए मार दिया गया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है जहां जहां सिविल अनरेस्ट होता है और जिन एरिया में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वहां पर आपकी लगभग 200 स्पीशीज आज की डेट में रिस्क पे है। अगले आर्टिकल के बारे में बात करें तो न्यू बिग फाइव प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है बट ये किसी गवर्नमेंट का नहीं है। यहाँ पर वेरियस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, आपके जो कंजर्वेशन में लगे हुए एक्टिविस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ चैरिटीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मिलके एक एफर्ट है। इसमें 5 एनिमल स्पीशीज पे फोकस किया गया है जो कि आपके एलिफेंट है, पोलर बियर है, गोरिल्लास हैं, टाइगर्स हैं एंड लायंस हैं। इस प्रोजेक्ट का एम ये है कि जो क्राइसिस फेस कर रही है ये वाइल्ड लाइफ उनको हाईलाइट करने का। इसमें हैबिटेट लॉस, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, पोचिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड्स एंड क्लाइमेट चेंज मेजर फोकस पे है। अगला आर्टिकल है हमारा इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में, जो कि आपका हर साल 22 मई को आता है। इस डे के बारे में बात करें तो ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इश्यूज को प्रमोट करता है। इस बारी के बायोडाइवर्सिटी डे की थीम थी वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सो दैट इज इट अबाउट दिस आर्टिकल। अगला आर्टिकल है हमारा प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट को यूएन एनवायरमेंट और IUCN ने मिलकर पब्लिश किया है। ये रिपोर्ट प्रोग्रेस चेक करती है जो सभी एम्बिशियस टारगेट हमने वर्ल्ड लीडर्स ने लिए थे 2010 की यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में। इस रिपोर्ट में मेजर फोकस रखा गया है HE टारगेट 11 पे। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि HE टारगेट 11 क्या है, तो इसमें हम दो पार्ट्स पे फोकस करते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है एक्वेटिक या मरीन। तो हम प्रोटेक्टेड एरिया इंक्रीज करेंगे लगभग 17% से, कहां पर, टेरेस्ट्रियल पार्ट में, वेयर एज मरीन में हम 10% एरिया इंक्रीज करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया बाय 2020। दीज वर द टारगेट्स। अब ये जो रिपोर्ट है ये बेस का वर्क करेगी जो हम नया फ्रेमवर्क ड्रॉ करेंगे अब रीसेंट जो हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाली है चाइना में UNCBD की। अगर हम इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो उससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी होगी कि प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है और अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स क्या होते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया वो ज्योग्राफिकल स्पेस है जहां पर हमने लीगल लॉ की हेल्प से उस एरिया को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, डेडिकेट किया हुआ है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और यहां पर हम साथ के साथ कल्चरल वैल्यूज को भी सजोने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में सुना होगा या नेशनल पार्क्स के बारे में सुना होगा या बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में सुना होगा। ये सभी आपके प्रोटेक्टेड एरिया की लिस्ट में आते हैं। अब व्हाट आर अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड ऑन कंजर्वेशन मेजर, ये सभी आपके आउटसाइड होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया के, बट इनमें भी हम इनसीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन को यूज करते हैं। इसमें हम की फाइंडिंग के बारे में बात करें तो लगभग 82% कंट्रीज में, यानी कि वर्ल्ड की 4/5 कंट्रीज में हमने देखा है इंक्रीज इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड OECM में। OECM क्या है? अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। अगर हम 2010 से कंपेयर करें तो ये एरिया काफी इंक्रीज किया है, लगभग हमने एडिशनल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऐड किया है प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर। ये जो एरिया है लगभग पूरे रशियन फेडरेशन से बड़ा है। अब अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो यहां पर भी आपको लास्ट 10 साल में देखने को मिलता है कि कोस्टल और मरीन एरिया में ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया इंक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू लैंड के। लगभग 2/3 यानी कि 62.6% एरिया जो आपका की बायोडाइवर्सिटी एरिया है वो फुल्ली या पार्शली ओवरलैप करता है बिटवीन योर प्रोटेक्टेड एरिया एंड OECM से। अगला आर्टिकल हमारा साइक्लोन यास से रिलेटेड है
जो कि आपके भीतर कनिका नेशनल पार्क को हिट करा। नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उड़ीसा की। ये एरिया देख पा रहे हैं जो आपको बे ऑफ बंगाल में दिखता है। अगर इस एरिया की बात करें, फ्रिक्वेंटली ये न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ ओली रिडली टर्टल्स की, तो इसलिए भी ये एरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना। अगर हम बात करें, ये एरिया फेमस है मैंग्रोव्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, टर्टल्स के लिए, एस्टुरिन क्रोकोडाइल्स के लिए एंड क्रेक्स के लिए। ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है और फॉरेस्ट एरिया है आफ्टर योर सुंदरबन नेशनल पार्क। यहाँ पर आपके तीन प्रोटेक्टेड एरिया है, भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड घरी माता मरीन सेंचुरी। अब अगर हम डिटेल में जाएं इस भितरकनिका नेशनल पार्क की, तो ये आपके ब्राह्मणी रिवर, बैतारनी रिवर, धर्मा और महानदी की ईस्टुरीज पे लोकेटेड है। इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क होल्ड्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पॉपुलेशन, ऑल्दो इनकी कंजर्वेशन के एफर्ट 1975 में हमने स्टार्ट कर दिए थे। अब इस एरिया में आपको स्पॉटेड डियर मिलता है, बर्ड स्पीशीज मिलती हैं और उसके अलावा वाइट बोर्स, जैकल्स, हाइना, जंगल कैट, फिशिंग कैट और भी बहुत अलग अलग स्पीशीज ऑफ एनिमल मिलती है। इस एरिया को हमने नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था 1998 में एंड 2002 से ये आपकी एक रामसर साइट भी है। अब हम बात करेंगे श्री वेली पुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। ये जो आपका टाइगर रिजर्व है, ये कैचमेंट एरिया में पड़ता है व्यागी रिवर के एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु में लोकेटेड है। दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस टाइगर रिजर्व। इफ वी टॉक अबाउट दिस एरिया, फरवरी 2021 में इस एरिया को 51st टाइगर रिजर्व के तौर पे रजिस्टर किया गया है। ये पांचवा आपका टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु स्टेट में। इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करते हुए मेगा मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और श्री वेली पुथूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक साथ जोड़ दिया गया है। अगर हम वेजिटेशन की बात करें इस टाइगर रिजर्व में, तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे मेजरली, बट उसके अलावा आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड भी मिलता है। इसकी इस वैरायटी के कारण ही ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको स्पॉटेड डियर, इंडियन गॉर्स, वाइल्ड बोर्स भी मिलते हैं। उसके अलावा सम इम्पॉर्टेंट स्पीशीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, दैट इज जायंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, लियोपर्ड, नीलगिरी ताहिर, जंगल कैट, सांबर, एलिफेंट, लॉइन टेल मकाऊ, ये सभी स्पीशीज आपको इस एरिया में मिलती है। और जैसा कि मैंने ये आपको बताया, ये फिफ्थ टाइगर रिजर्व है आपका तमिलनाडु का। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पाके टाइगर रिजर्व। दिस एरिया इज योर पाके टाइगर रिजर्व, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। प्लीज मैप को याद रखना। अब इस एरिया में रिसेंटली 200 कंटीजेंसी वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया इंडेफिनेटली, क्योंकि इन्हें पेमेंट नहीं मिली। ये टाइगर रिजर्व आपका पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश के, और इसे कई बार पाखुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। इस टाइगर रिजर्व को 2016 में इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी मिला हुआ है अंडर द कैटेगरी ऑफ कंजर्वेशन एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज की, और ये अवार्ड इसे हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत मिला था। इस एरिया के बारे में बात करें तो ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। यहाँ पर आपको भरेली, कामेंग और पाखे रिवर फ्लो करती हुई दिखती है। इस एरिया के आसपास पुनपुन फॉरेस्ट रिजर्वायर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, असम का नमेरी नेशनल पार्क, दोईमार फॉरेस्ट रिजर्व एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी इसके आसपास के प्रोटेक्टेड एरिया है। और रिवर्स के बारे में तो हमने बात कर ही ली है। अगला आर्टिकल है हमारा ऑपरेशन ओलिव से। ये ऑपरेशन रिसेंटली न्यूज में रहा है बिकॉज इंडियन कोस्ट गार्ड ने कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया था ओली रिडली टर्टल्स को। अगर हम ऑपरेशन ओलिव के बारे में बात करें, तो इंडियन कोस्टल गार्ड ने ये 1980s में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ऑपरेशन का एम है प्रोटेक्ट करना ओली रिडली टर्टल्स को जब भी वो उड़ीसा कोस्ट पे आते हैं फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस, यानी कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। अदर इनिशिएटिव की तो टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस जो आपके नेट में लगता है, जिससे अगर आप फिशिंग करते हुए एक्सीडेंटली इन टर्टल्स को पकड़ लेते हैं, उनके एस्केप के लिए ये नेट बनाए गए हैं ताकि इन टर्टल की पॉपुलेशन को बचाया जा सके। दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट टर्टल स्पीशीज में से एक है। ये जनरली कार्निवोरस है। इसका नाम इसके कारापेस की वजह से पड़ा है जो कि ओलिव कलर का है। ये माइग्रेट करता है हर साल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फॉर ब्रीडिंग। इनकी ब्रीडिंग के टाइम पे एक बहुत यूनिक मास नेस्टिंग का फीचर देखा जाता है जिसे हम कहते हैं अरीबाडा, मतलब कि यहाँ पर फीमेल्स आएंगी और झुंड में अंडे देती हैं। मतलब हजारों की तादाद में
एक साथ ये अंडे देने वाले प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, अरीबाडा। और ये पॉपुलर है किसके लिए, ओली रिडली टर्टल्स के लिए। ये आपको वार्म वाटर्स में मिलते हैं, पैसिफिक के, अटलांटिक के और इंडियन ओशन के। आईयूसीएन स्टेटस की, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, साथ के साथ साइट के अपेंडिक्स 1 में आते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी आते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा रामगढ़ विषधाराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह आपकी राजस्थान में लोकेटेड है। ये एरिया देख पा रहे हैं आप, अभी रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसको 52nd टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया। 1982 में इस एरिया को नोटिफाई किया गया था एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के फ्लोरा मिलते हैं, पेड़ पौधे यानी, जैसे कि ढाक, खैर, सलार, खिरनी, ये बहुत कॉमन ट्रीज हैं। उसके अलावा कुछ एरिया में आप मैंगो और बेर भी मिलते हैं। एनिमल्स यानी फौना की, इस एरिया में आपको लियोपर्ड्स, सांबर, वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर, चिंकारा, स्लोथ बियर, इंडियन वुल्फ, हाइना, जैकॉल और डियर क्रोकोडाइल जैसी पॉपुलेशन मिलती है। बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके असम के और भूटान के आसपास के एरिया में लोकेटेड है। मेजरली आपके असम पार्ट में है बट भूटान बॉर्डर के पास। यहाँ से बार नदी फ्लो करती है जिसकी वजह से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या पड़ गया, बार नदी भी। इसे 1980 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया था असम गवर्नमेंट ने। बेसिकली यहाँ पर पिग्मी हॉक को बचाने के लिए इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टैग दिया गया था। उसके अलावा हिस्पिड हेयर को भी यहाँ पर कंजर्व किया जाता है। अब ये एरिया न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने यहाँ पर कुछ टाइगर्स को पाया है। इस एरिया की बात करें, एशियन एलिफेंट के साथ साथ यहाँ टाइगर और गौर बॉस फ्रंटेल्स की भी स्पीशीज मिलती है। ये सभी स्पीशीज थ्रेटन्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आती है। तो 60% एरिया यहाँ पर ग्रासलैंड है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलता है एंड मिक्स क्रब भी मिलता है। ग्रासलैंड के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी के नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण वेजिटेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। जैसे कि हम बात करें, टेक्टोना ग्रैंडिस या बॉम्बेक्स सीबिया एंड यूकलिप्टस, ये ऐसे इन्वेसिव स्पीशीज हैं जो इस एरिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण ही इस एरिया में ये पहुंचे हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिडार बेस सर्वे ऑफ फॉरेस्ट एरिया। रिसेंटली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इस प्रोजेक्ट की डिटेल रखी है। वापकॉस करके एक कंपनी है जिसको ये प्रोजेक्ट सौंपा गया है जुलाई 2020 में। लगभग 26 स्टेट में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड वापोस क्या है, वापोस आपकी एक मिनी रतन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। यहाँ पर इसने करंटली 10 एरिया को मैप किया है, 10 स्टेट्स को, जो कि है आपकी असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा। लिडार टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जिसका मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मतलब कि अगर मान लो ये एक एरिया है, अगर मेरे को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या फसल उगी हुई या ट्री उगे हुए हैं, तो इसके लिए मैं लिडार को यूज करूंगा। लिडार क्या करता है, आपकी लाइट वेव्स को भेजता है और वापस रिसीव करता है, तो साथ के साथ कैलकुलेट करता है कि क्या उस एरिया की टोपोग्राफी है, क्या उस एरिया का ग्रीन कवर है। तो इससे हमें सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन में हेल्प मिलेगी, बिकॉज ये जितने भी मैप जनरेट होंगे वो 3D होंगे। इससे हम रिवर के कैचमेंट एरिया को भी कंजर्व कर पाएंगे और साथ के साथ प्रिवेंट कर पाएंगे सरफेस रन ऑफ, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। इस प्रोजेक्ट और सर्वे के लिए हम कांपा को यूज करेंगे। अगला आर्टिकल है गुनेडे नेशनल पार्क, विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, चेन्नई के आसपास का एरिया है। अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से रेनफॉल होती है। गुनेडे नेशनल पार्क का एक्चुअल में मीनिंग है गेम रिवर्स। तो यहाँ पर आपको ब्लैक बर्ग, स्पॉटेड डियर, जैकॉल और बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्नेक्स मिलते हैं। स्नेक मिलने का कारण ये है कि इस गुनेडे नेशनल पार्क के पास ही आपको एक गुनेडे स्नेक पार्क भी मिलता है, जो कि आपका मीडियम जू है एज पर योर सेंट्रल जू अथॉरिटी, जिसने डिक्लेयर किया था इसे 1995 में। अगर हम बात करें गुनेडे नेशनल पार्क का ओरिजिनल में मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गेम रिवर्स। बेसिकली एक ये गार्डन हुआ करता था 1670 तक, और 1670 के आसपास जो विलियम लैंगहोंग थे, जो आपके गवर्नर थे मद्रास के, उन्होंने इसे काट के एक नेशनल पार्क का फॉर्मेशन किया था। मतलब इस एरिया को अलग तो कर दिया था, ऑल्दो नेशनल पार्क
बाद में जाके बनता है। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोजेक्ट बोल्ड। अभी प्रोजेक्ट बोल्ड है क्या? इसकी बोल्ड की फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। ये एक इनिशिएटिव है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का। इसे लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ KVIC's खादी बैम्बू फेस्टिवल के, जो कि हमारे 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे लॉन्च किया गया था, आजादी का अमृत महोत्सव पे। यहाँ पर 5000 सैपलिंग ऑफ स्पेशल बैम्बू, दैट इज बैम्बूसा टुल्डा एंड बैम्बूसा पॉलीमोर्फा, इनको आप असम से लाके जो वेकेंट एरिड एरियाज हैं, जैसे आपका राजस्थान वगैरह वाला पार्ट हो गया, वहां पर ग्राम पंचायत के 16 एकड़ लैंड में इसे उगाने की बात की गई है। इससे फायदा यह है कि किसानों की इनकम में कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें एक सिंगल डे में हमने सबसे ज्यादा बैम्बू सैम्पलिंग लगाए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट आपके राजस्थान के एरिड एरिया में स्टार्ट किया गया है और स्पेशली उदयपुर के एक ट्राइबल विलेज जिसका नाम है निचला मंडवा। उसके अलावा इसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे हम धोलेरा विलेज जो अहमदाबाद गुजरात में है और साथ ही साथ लेह लद्दाख रीजन में भी। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? बैम्बू बेस एक ग्रीन पैच क्रिएट करना जो कि आपके एरिड और सेमी एरिड एरिया में हो, ताकि हम रिड्यूस कर सके लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन को। तो कहीं ना कहीं आप इसे डेजर्टिफिकेशन टॉपिक से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट तिलेरी कंजर्वेशन रिजर्व। यहां पर दुनिया का सबसे लंबा पॉइजनस सांप मिला है, दैट इज किंग कोबरा, इसलिए ये न्यूज में था। अगर हम बात करें, ये 7th वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है इस एरिया का एंड यहां पर आप 9 विलेजेस को कवर करते हैं। ये सर्व करता है एज ए एलिफेंट एज वेल एज टाइगर कॉरिडोर। अगर हम बात करें, ये कनेक्ट करता है मिदेई सेंचुरी इन गोवा एंड भीमगढ़ जो कि कर्नाटका में। यहां पर आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और बहुत सारे यूनिक ट्रीज एंड बटरफ्लाइज एंड फ्लावर्स भी मिलते हैं। अब हम बात करेंगे लमेरू एलिफेंट रिजर्व की। अब ये एरिया आपका छत्तीसगढ़ के कोबरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ की प्रपोज किया था कि इस एरिया को हम एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर करेंगे, बट कुछ कारणों से इसके अगेंस्ट कुछ कॉन्ट्रोवर्सी होने लग गई है। अब बेसिकली जो एम था इस एरिया को एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर करने का, वो ये था कि इस एरिया में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हम रिड्यूस कर सकें, क्योंकि एनिमल्स की वजह से इस एरिया में बहुत सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही थी, चाहे आपकी क्रॉप हो या आपकी वेजिटेशंस। कैसे कोई एरिया आप कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं? तो बेसिकली आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 36 ये पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो किसी एरिया को नोटिफाई कर सकते हैं एज अ रिजर्व एरिया। अब ये जो 36A है, ये स्पेशल पावर देती है आपकी यूनियन गवर्नमेंट को भी, अगर जो एरिया नोटिफाई हो रहा है एज ए कंजर्वेशन रिजर्व वो बिलोंग करता हो सेंटर को। अगर स्टेट को करता है तो स्टेट करेगी, बट अगर सेंटर को करता है तो सेंटर उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है। अभी इस एरिया को हम प्रपोज किया है, ये रिकॉग्नाइज नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स अ टाइगर कॉरिडोर जो राजस्थान में अभी रिसेंटली प्रपोज किया है। बेसिकली ये रामगढ़ टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व एंड मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व को आपस में कनेक्ट करने की बात करता है। एक टाइगर रिजर्व दो या दो से ज्यादा एरिया को आपस में कनेक्ट करता है, जहां पर टाइगर की मूवमेंट और उसके प्रे की मूवमेंट हम मेंटेन कर सकें। अभी हमने रामगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में रिसेंटली पढ़ा था पीछे ही, जहां पर हमने बात किया था कि ये 52nd आपका टाइगर रिजर्व रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। इसके बारे में हम नहीं देखेंगे, बाकी दो एरिया इस आर्टिकल में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि टाइगर की पॉपुलेशन को वायबल बनाने के लिए हमें एक लार्ज एरिया चाहिए होता है। अब अगर ये एरिया फ्रेगमेंटेड हुआ, पीसेस में हुआ, तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि टाइगर को उतना खाना नहीं मिल पाएगा और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की भी रहेगी। तो इसी वजह से हम प्रमोट करते हैं टाइगर कॉरिडोर्स को। अगर हम बात करें रामगढ़ वशीधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये रिसेंटली 52nd टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है आपके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, जो कि 4 टाइगर रिजर्व बना था राजस्थान का। तो इसे हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है, तो आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व के बारे में, जो आपके कोटा के आसपास के एरिया में है। दिस इज द लोकेशन ऑफ मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 2014
1954 में, वेयर एज उससे पहले 1955 से लेकर 2004 तक ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। ये मुकुंद्र हिल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आपकी चंबल रिवर के ईस्टर्न बैंक पे लोकेटेड है, एंड यहाँ पर आपको दो पैरेलल माउंटेन मिलते हैं, दैट इज मुकुंद्र हिल एंड गोरोगोला। इस टाइगर रिजर्व में आपको तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलती हैं, एक है आपकी दरहा, एक है आपकी जौहर सागर एंड तीसरी है आपकी चंबल। अगर हम बात करें तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी हमने पहले कवर कर लिया है, तो इसलिए हम उसे अभी नहीं देख रहे। अब हम डिस्कस करेंगे मगोरी मोटोपंग वेटलैंड के बारे में। हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की थी जब हमने दिब्रू शिखोय नेशनल पार्क को पढ़ा था। अब बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, मगोरी बेसिकली एक लोकल वैरायटी है आपकी कैटफिश की जो इस एरिया में मिलती है, असम के एरिया में, और मोटोपंग इस विलेज के आसपास ये वेटलैंड लोकेटेड है, तो वहां से ये नाम आया, तो टोटल नाम इसका पड़ गया मगोरी मोटोपंग वेटलैंड। ये आपका क्रिटिकल पार्ट है दुबरी शिखोय बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पर वेटलैंड के साथ साथ आपको स्वैम्पी फॉरेस्ट और ग्रासलैंड भी मिलता है। यहाँ पर आपको बहुत वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना मिलता है, स्पेशली आपको मैमल्स की यहाँ पर बहुत अच्छी स्पीशीज मिलती है। अगर हम इस एरिया के बारे में बात करें तो ये इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है, और यहाँ पर आपको बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, चाहे वो मैमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो और फिश हो और बटरफ्लाई हो। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है सिंस 1996 एज पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अकॉर्डिंग। रिसेंटली आर होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने ग्रीन शोहर एफॉरेस्टेशन कैंपेन स्टार्ट किया है इन द स्टेट ऑफ मेघालय। इसमें मेघालय गवर्नमेंट के साथ साथ आपकी असम राइफल भी पार्टिसिपेट करेगी। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, यहां पर मेघालय स्टेट में हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, जिससे कि मेजर फोकस हमारा, जिसमें कि हमारा मेजर फोकस रहेगा चेरापुंजी पे। इस चेरापुंजी एरिया को आपकी असम राइफल प्लांटेशन के लिए अडॉप्ट करेगी। इस कैंपेन का मेजर स्लोगन है एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट। इस कैंपेन से बेनिफिट ये होगा कि इस एरिया में हम इको टूरिज्म को बूस्ट करेंगे। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रेटर सोहर वाटर सप्लाई स्कीम। अब ये जो स्कीम है ये स्कीम पार्ट है आपके जल जीवन मिशन का। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसे इम्प्लीमेंट करेंगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की जो आपकी रीजन की मिनिस्ट्री है, दैट विल इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। अब उनके साथ साथ यहां पर मेघालय गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। जो मेजर एम है इसका वो है कि लगभग 280,000 फैमिलीज जो इस एरिया में रहती है उन्हें प्योर ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना हर घर में। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्कीम। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सुल्तानपुर एंड भिंडावास वेटलैंड। ये जो दोनों ही एरिया है ये रिसेंटली रामसर लिस्ट में एड हुए हैं। अब इंडिया में रामसर साइट की काउंटिंग 46 हो गई है। अगर हम बात करें सुल्तानपुर नेशनल पार्क की, यह आपके गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। दिस इज द लोकेशन, गुड़गांव एरिया में आता है। दिस एरिया इज वेरी फेमस फॉर विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स, सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर। सो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इस आर्टिकल में हमने बात करनी है इस लोकेशन की। इस एरिया को 2009 में बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपके हरियाणा के। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, साहिबी रिवर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास से फ्लो करती है। ये जो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये खापरावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। यहां पर बहुत से माइग्रेटरी स्पीशीज आते हैं हर साल, बट उनका नाम याद रखना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना, कई बार यूपीएससी मैच द फॉलोइंग करवा सकता है, तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वेटलैंड कहां पर लोकेटेड है, हरियाणा में। एंड इसकी लोकेशन आपको याद रखनी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इन दोनों एरिया की मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज्यादा बनता है, और कौन से बर्ड वगैरह, क्योंकि यहां पर कोई फ्लैगशिप स्पीशीज नहीं है, सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। अब ये पहला ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर आपके सैटेलाइट फोन अवेलेबल है, जो कि BSNL ने प्रोवाइड किए। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है
ये ब्रह्मपुत्र के साउथ बैंक पे सिचुएटेड है, ये पाटली गोलघाट डिस्ट्रिक्ट और पाटली नगोन डिस्ट्रिक्ट असम में पड़ता है। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है आपका असम एरिया का, एंड नेशनल हाईवे 37 इस एरिया से पास करता है। अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 1974, और यहां पर ये एरिया फेमस है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है बिकॉज यहां पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। अगर हम बात करें, यहां पर आपको टॉल एलिफेंट ग्रासेस मिलती हैं, मार्शेस मिलते हैं, शैलो पूल्स मिलते हैं, शीर फॉरेस्ट मिलते हैं, एंड रग्ड रीड्स भी मिलते हैं। और यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज मिलती हैं, दैट आर टाइगर, एलिफेंट, पेंथर, बियर एंड बहुत सारे बर्ड्स। बर्ड्स के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते अनटिल और अनलेस कोई आपकी फ्लैगशिप स्पीशीज ना हो। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यू रामसर साइट्स। अभी रिसेंटली 4 ऐड हुई थी, 2 तो हम डिस्कस कर चुके हैं हरियाणा की, अब हम डिस्कस करेंगे गुजरात की। दिस इज थोल बर्ड सेंचुरी दैट इज लोकेटेड इन दी गुजरात एरिया, वधावन वेटलैंड। ये दोनों ही एरिया अभी रिसेंट आपकी रामसर लिस्ट में ऐड हुए हैं। इफ वी टॉक अबाउट थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपके सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ती है। यहां पर आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हाइट रैम्प्ड वल्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ सोशिएबल लैपविंग्स भी मिलते हैं। यहां पर आपको वल्नरेबल स्पीशीज ऑफ सारस क्रेन, कॉमन पॉस्ट एंड लेसर व्हाइट फ्रंटेड गूस की भी मिलती है। अब वधावन वेटलैंड के बारे में बात करें, तो ये आपका माइग्रेटरी बर्ड्स का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। यहां पर आपको इंडेंजर्ड पलास फिश ईगल मिलता है, वनरेबल कॉमन पॉर्चर्ड्स मिलते हैं, साथ ही साथ नियर थ्रेटन्ड डेलमेटियन पेलिकन, ग्रे हेडेड फिश ईगल एंड फेरुगिनियस डक भी मिलती है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इस एरिया में यूपी बॉर्डर के पास। अगर हम बात करें, रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जो आपका नेशनल टाइगर अथॉरिटी है उसे ऑर्डर दिए हैं कि भैया जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, चाहे वो ब्रिजेस की हो, वॉल्स की हो, उसे रोकने की कोशिश की जाए। ये एरिया आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये नेशनल पार्क 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था, उस टाइम इसका नाम था हेले नेशनल पार्क। यहां से इंपॉर्टेंट रिवर जैसे रामगंगा, कोशी, सोना नदी पास करते हैं इस नेशनल पार्क से। प्रोजेक्ट टाइगर फर्स्ट टाइम इसी एरिया से लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ यहां पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रीज, श्रब्स, फेरन, ग्रासेस, क्लाइंबर्स, हर्ब्स एंड बैम्बूस। बट 75% इस एरिया को कवर किया हुआ है साल फॉरेस्ट ने। मेजरली आपको याद रखना है, साल आपके नॉर्थ में मिलते हैं एंड टीक वुड्स आपको साउथ में मिलती है, और ये दोनों मीट करते हैं लगभग मध्य प्रदेश वाले एरिया में। ये एरिया फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए, एशियाटिक एलिफेंट के लिए एंड घड़ियाल के लिए। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये आपकी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। ये 2005 में एस्टेब्लिश की गई थी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको फंक्शन दिया गया है टाइगर कंजर्वेशन का। इन दिस आर्टिकल वी विल टॉक अबाउट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बेसिकली ये प्री इंडिपेंडेंस बॉडी है जो कि 1916 में हमने बनाई थी। इफ वी टॉक अबाउट पर्पस, तो ये प्रमोट करती है सर्वेस, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च जो कि ह्यूमन नॉलेज को इनहेंस कर सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर आती है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, एंड सिंस 2007 ये पब्लिश करती है जो भी रिसेंटली आपके एनिमल अभी न्यू स्पीशीज डिस्कवर हुई है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इको सेंसिटिव जोन। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने नोटिफाई किया दीपोर बिल को इको सेंसिटिव जोन के अंडर। बेसिकली ये जो आपके इको सेंसिटिव जोन होते हैं, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ही डिक्लेयर करती है किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये इको सेंसिटिव जोन के अंडर डिक्लेयर कर सकती है। ऐसी पावर इसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत मिली हुई है, बट उसमें कहीं भी ये डिटेल में नहीं दे रखा कि इको सेंसिटिव जोन है क्या और क्या नहीं। मेन एम जो है इको सेंसिटिव जोन का, कि ये मिनिमाइज कर सके नेगेटिव इंपैक्ट
of human activity on any fragile ecosystem that is surrounding the protected area. In eco-sensitive area में आप कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट, कोई भी इन प्रोटेक्टेड एरिया में आप कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, ईंट की भट्टी नहीं लगा सकते, इन एरिया में मिलने वाली लकड़ को आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, आप कोई भी अनट्रीटेड वेस्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते इन एरिया में. सो दैट इज ऑल अबाउट योर इको सेंसिटिव जोन. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट चिल्का लेक. चिल्का लेक बेसिकली आपके जो इरावडी डॉल्फिन है इसके लिए फेमस है, बट रिसेंटली यहाँ पर इसकी डेथ हो रही है, इसकी वजह से न्यूज में रहा है. चिल्का लेक आपके एशिया का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लगून है. लगून एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आपका ओशन से वाटर इनलैंड की तरफ एंटर करता है. अगर हम बात करें इस एरिया की तो ये फेमस है आपके माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, साथ के साथ इरावडी डॉल्फिन के लिए. नालाबंद जो एक एरिया है यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी है सिंस 1987. जो ये चिल्का लेक है सिंस 1981 ये पहली ऐसी साइट बनी थी जो रामसर कन्वेंशन के अंडर लिस्टेड है. अगर हम बात करें चिल्का लेक की तो ये चिल्का लेक फेमस है कालीजेट टेम्पल के लिए भी, जो कि इसी एरिया के एक आइलैंड पे लोकेटेड है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट राजाजी नेशनल पार्क. राजाजी नेशनल पार्क का नाम श्री राजगोपालचारी के नाम पे पड़ा है, जिन्हें पॉपुलरली हम कहते थे राजा जी. यह आपके उत्तराखंड के हरिद्वार एरिया में लोकेटेड है एट द फुटहिल ऑफ शिवालिक रेंज. ये 2015 में एक टाइगर रिजर्व बना. यहाँ पर आपको ब्रॉड लीव डेसिडस ट्रीज मिलते हैं, साथ ही साथ रिवराइन वेजिटेशन मिलती है बिकॉज ये एक तराई एरिया में लोकेटेड है. अगर हम बात करें यहाँ पर आपको ग्रासलैंड एंड पाइन फॉरेस्ट भी मिलता है. साल यहाँ पर डोमिनेंट स्पीशीज है ट्री की. उसके अलावा इस एरिया में आपको टाइगर, एलिफेंट, लियोपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर्स, जैकल्स जैसी बहुत सी इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज मिल जाती है. इस एरिया से आपका गंगा रिवर एंड सॉन्ग रिवर फ्लो करती है. अब रिसेंटली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जिसने क्वेश्चन कर दिया कि भैया ये जो आपने 4.7 किलोमीटर का जो रोड अपग्रेड कर रहे हो बिटवीन दी लालधांग एंड चिलरखार रोड, लालधांग एंड चिलरखार रोड, ये बफर जोन पे इम्पेक्ट कर रहा है राजा जी टाइगर रिजर्व की. तो उत्तराखंड गवर्नमेंट से इसके ऊपर रिप्लाई मांगा है. सो दैट्स व्हाई दिस एरिया वाज इन न्यूज एंड हेंस वी आर डिस्कसिंग दिस. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडिया एंड बायोडाइवर्सिटी. इंडिया वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दी थी इन्वायरमेंट को. क्यों, मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं, ये आप आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 48 क्या बात करता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बट ये सब कुछ हुआ कब, ये हुआ था 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद. अब इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी जी गई थी और इंदिरा गांधी जी से बड़ा कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है नहीं. अगर हम बात करें उन्होंने आने के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बेड कर दिया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. साथ के साथ इस DPSP के अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है अंडर आर्टिकल 51AG. इट सेज इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर. सो दिस इज हाउ इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. सो आफ्टर सून आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वी सी हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिखे है, फिर हम वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट लेके आए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आए और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट लेके आए एंड लास्ट में हम लेके आए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. बट ये सभी स्टार्ट हुआ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद. इसकी टाइमलाइन हम कल डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग द टाइमलाइन ऑफ IUCN. हम शुरुआत करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से 1750 से आसपास से एंड हम लेके चलेंगे टिल डेट हम आज की डेट में कहां स्टैंड करते हैं. बट ये जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है इसके फॉर्म होने के कोई अलग रीजन थे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट इमीडिएट जो एक्शन था दैट वाज कमिंग आउट ऑफ योर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब ये एक्ट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किसको, वाइल्ड लाइफ एनिमल को, बर्ड को एंड प्लांट्स को। ये एक लैंडमार्क एक्ट था जिसके तहत हमने 6 शेड्यूल बनाए। इन 6 शेड्यूल में से 5 में हम बात करते हैं वेरियस रिस्क के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन दी हुई है हमने जो वेरियस स्पीशीज को। फॉर एग्जाम्पल हाइएस्ट प्रोटेक्शन हमने दे रखी है जो शेड्यूल 1 में है एनिमल्स। इनकी हंटिंग, ट्रेडिंग और किसी भी तरह का कॉमर्शियल एक्टिविटी स्ट्रिक्टली हमने रेगुलेट कर रखी है। वेयर एज जो शेड्यूल 6 है वो हमने 1991 के अमेंडमेंट से जोड़ा था, ये सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करता है। अगर हम बात करें शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, यहां पर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी गई है। अगर कोई ऑफेंस करता है इससे रिलेटेड तो इस केस में हाईएस्ट सजा देने का प्रावधान है। जो स्पीशीज शेड्यूल 3 में है या 4 में है इनके लिए भी सजाएं हैं बट थोड़ी कम है, और जो शेड्यूल 5 में आती हैं उन्हें हम हंट कर सकते हैं, उन्हें हम मार सकते हैं, जैसे माउस, जैसे कैट, सिंपल कैट जो आपकी लोकेलिटी में मिलती है। तो इन एनिमल को हम वर्मिन भी कह देते हैं। कई बार गवर्नमेंट वर्मिन डिक्लेयर करके कुछ एनिमल्स को मार देती है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि नील गाय को अक्सर वर्मिन डिक्लेयर करके हम हंटिंग की परमिशन दे देते हैं। ये जो आपका वर्मिन की पावर है जो स्टेट गवर्नमेंट को मिली हुई है डिक्लेयर करने की, ये 1991 के अमेंडमेंट के साथ आई थी। वेयर एज अगर हम बात करें शेड्यूल 6 की तो ये एंडेमिक प्लांट्स के बारे में बात करता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये एक स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर बनी थी। इसका एडवाइजरी रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करता है इन रिलेशन टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका प्राइमरी फंक्शन है कि प्रमोट करे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट भी इसका एक एम है। कोई भी वाइल्ड लाइफ एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, आप उसकी बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते बिना इसकी परमिशन के, खासकर नेशनल पार्क की। ऑल्दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यू कैन डू, बट नेशनल पार्क के लिए स्पेशली इसकी परमिशन लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब हुआ क्या कि भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को होश आता है कि हमने एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए तो कोई लॉ बनाया ही नहीं। तो उस वेक में हमने लॉ डिजाइन किया जिसका नाम रखा हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये ऑल्दो मार्च 1986 में पास किया था बट 19th नवंबर 1986 में फोर्स में आया। इस लॉ में 26 सेक्शन है और 4 चैप्टर हैं। इस लॉ का एक इंपॉर्टेंट एम ये था कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना, ये इंप्रूव करने की बात करता है प्रोटेक्शन। अंडर दिस लॉ हमने क्या किया, हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव करने की बात करते हैं, साथ ही साथ हम प्रिवेंट करने की बात करते हैं ह्यूमंस को फ्रॉम हजार्ड्स। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम अपकमिंग लेक्चर्स में, बिकॉज जनरली इससे रिलेटेड जो प्रावधान हैं, जो डिटेल्स हैं, दैट आर मोर यूज्ड इन योर पॉल्यूशन रिलेटेड चैप्टर। सो दैट इज व्हाई इसको सिर्फ इतना ही हम अभी समझेंगे, इसको एक बार फिर से हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पॉल्यूशन इन द अपकमिंग सीरीज। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो हम CBD पढ़ रहे थे ना, UN CBD, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने ये लॉ लेके आए। बेसिकली इसका काम क्या है, प्रिवेंट करना बायोडाइवर्सिटी को, साथ ही साथ प्रोवाइड करना एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे इक्विटेबल शेयरिंग हो सके बेनिफिट्स की, जो भी हमारी ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से आ रही है या नॉलेज से आ रही है। मतलब कि ये दोनों ही एम आपके फर्स्ट एंड थर्ड एम, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी के जो फर्स्ट एंड थर्ड एम है उनसे मैच करते हैं। सो बेसिकली इस एक्ट का एम क्या था, रियलाइज करना जो ऑब्जेक्टिव है UN कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। क्या ऑब्जेक्टिव थे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज राइट हियर, एंड साथ के साथ सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट,
वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर बेनिफिट को आप इक्विटेबली शेयर कर रहे हैं तो। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो एक नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, साथ के साथ एक स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, लोकल लेवल पे हमें मिलती है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। मान लो कोई फॉरेन नेशनल है या कोई फॉरेन कंपनी है, अगर उन्हें हमारे बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज को या नॉलेज को एक्सेस करना है तो उन्हें इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वेयर एज अगर कोई लोकल है, इंडियन है, तो उन्हें स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेने की जरूरत है। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी विच इज वर्किंग एट लोकल लेवल, तो इसका काम है प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना लोकल बायोडाइवर्सिटी को। नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1890, यानी कि एक प्री इंडिपेंडेंस बॉडी है। इसका भी हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। इसका फंक्शन है एक्सप्लोर करना, इन्वेंट्री बनाना और डॉक्यूमेंटेशन बनाना वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स की। साथ के साथ पब्लिश करता है नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट फ्लोराज को। साथ के साथ इसका काम है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी स्पीशीज को, प्लांट स्पीशीज को हम थ्रेटन्ड लिस्ट में रख सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका यह भी है कि ये एक्सीटू कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करता है। वन ऑफ द मेन फंक्शन इज ऑल्सो दैट ये सर्वे कंडक्ट करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है और ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि आपकी एसोसिएटेड है प्लांट को, उसको डॉक्यूमेंट करता है। साथ के साथ एक नेशनल लेवल पे डाटाबेस बनाता है जहां पर इन सबको हम सजो के रख सकें। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के साथ कल मिलते हैं। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड लेक्चर्स थे, आई नो इनमें समझाने की चीजें बहुत कम होती हैं, बट येट आई होप आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। जिस हिसाब से हमने करंट अफेयर डिस्कस किए थे उस हिसाब से इन सभी को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। मेक श्योर लेक्चर देखने के बाद जो भी आपके करंट अफेयर आते हैं उनको आप इसी तरह से अपडेट करते रहें रेलेवेंट सेक्शन में।